मैं कुंज वृंदावन से आपका हमारे चैनल वृंदावन कुंज गली में स्वागत करता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा सभी को, आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन की कुंज गली में हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज हम कुंज की कोई वीडियो नहीं बना रहे, ना हम अपनी बना रहे हैं और ना ही हम अपना कोई फेस आपको दिखा रहे हैं। आज आप बोल सकते हो कि आज हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो बस। तो आज हम वॉइस ओवर वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको अपने वृंदावन धाम से सीधा ठाकुर जी दिखा रहे हैं, जो हमारे घर में प्रतिदिन श्रृंगार होता है, उनकी सेवा होती है, उनके स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। तो ठाकुर जी के विषय में हमने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा बड़ा स्वरूप है उनको हमने नाम दिया हुआ है कृष्णा। ऑलरेडी कृष्णा ही नाम है तो कृष्णा ही दिया हुआ है, और जो उनका छोटा स्वरूप है वो हमने बेटे ने दिया हुआ है किट्टू, और हमारी प्यारी सी राधिका जो हैं उनको हम राधिका ही बोलते हैं। अरे इनकी बिंदी नीचे आ गई थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, जय श्री राधे। या अब मैं दिखाता हूँ आपको शालिग्राम जी। शालिग्राम जी इधर बैठे हुए हैं। ये आज मैंने सोचा कि आज हम क्यों नहीं अपने ठाकुर जी की वीडियो आपको अच्छे से दिखाएं। ये हमारे गुड्डे के स्वरूप में बैठे हुए हैं, इनका मेकअप खो रखा है ठाकुर जी का, इनके खेल खिलौने गाड़ियां सब रखी हुई हैं। तो आज हम आपको अपने ठाकुर जी के विषय में बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे घर में ठाकुर जी आए, कब उन्होंने चाहा कि मैं शर्मा जी के घर में रहूं, और कब से हमारे घर में हैं। ठाकुर जी हमारे घर में किस साल से आए थे भाई? सो 2016 में हमारे घर में ये छोटा स्वरूप आया था, जो हमने दिल्ली के नजफगढ़ मार्केट से लिए थे, मतलब एक शॉपकीपर से। फिर ये ठाकुर जी जो इनका हमने स्वरूप लिया था, बट ये साक्षात हमारे घर में आ गए 2016 से। उसके बाद फिर इन्होंने ऐसी लीला रची कि हम लगातार वृंदावन आते रहे आते रहे आते रहे वृंदावन आते रहे। तो वृंदावन में एक बार हम फैमिली के साथ, मैं, कुंज, कुंज की मम्मी, हम सब तीनों खड़े थे। कुंज के बर्थडे पे हम लोग आए थे, तो हम लोग यमुना किनारे खड़े हुए थे। तो हमने बोला कि हमें भी वृंदावन का वास दे दो। हमने ऐसी मुँह से, अपने मुख से बोल दिया, या तो बोल दिया या फिर हमें ठाकुर जी ने बुलवा दिया। तो अभी पिछले अगस्त 2020 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, ठाकुर जी ने शिफ्ट करा दिया। तो इससे पहले जब हमारे पास ठाकुर जी थे, तो हमने कुंज के बर्थडे पे आते थे, तो कुंज की मम्मी बोले कि मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए। तो हम फिर बड़ा स्वरूप ये कृष्णा का ले आए। फिर ये भी बहुत सुंदर स्वरूप है, देख। इनका डेली मेकअप कुंज की मम्मी करती हैं, मैं बहुत बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ। ड्रेस भी बहुत सुंदर है। ये एक हमारे टेलर हैं कुरुक्षेत्र से, वहाँ से मंगवाते थे ड्रेस। अभी तो नहीं आ रही है, कोरोना के चलते हुए खर्चे बहुत मिनिमाइज़ कर दिए हैं, क्योंकि ड्रेस भी ठाकुर जी की बहुत महंगी हो जाती है। तो अभी ठाकुर जी से बस रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी इन पोशाक कम नहीं है, पोशाक तो इनके पास काफ़ी सारी हैं वैसे तो। तो ये ठाकुर जी हमारे कृष्णा और किट्टू हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी ठकुरानी जो राधे रानी है। अरे इनकी बिंदी फिर नोज़ पे आ गई, चलो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये बिंदी तो ऑलरेडी इनके पास पेंटेड भी लगी हुई है। ये इनका मेकअप कितना सुंदर हो रखा है, देखिए ये सारा मेकअप। सुबह मॉर्निंग में इनको नहलाने और मेकअप करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, पर कोई नहीं, ठाकुर जी का मेकअप करना ही बहुत बड़ी सेवा होती है। ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत पसंद है, ठकुरानी को श्रृंगार बहुत पसंद है। ठाकुर जी स्वयं ठकुरानी का श्रृंगार करते हैं, उनके पैर दबाते हैं। तो ये सब लीला हकीकत ही है, और जो व्यक्ति ठाकुर ठकुराइन से जुड़ा हुआ है तो वो इनकी लीलाओं से पूर्ण तरह अवगत है। मैं कैसे इनका पिक ले लेता हूँ, मेरे को तो इतना सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए इस ड्रेस में कि मेरे को कैमरा हटाने का मन ही नहीं हो रहा। और कृष्णा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्यों। और ये हमारे छोटे से किट्टू। अब हम आते हैं अपने शालिग्राम जी पे। ये शालिग्राम जी हैं हमारे, पीछे देखिए राधा रानी हैं। अष्ट सखियों का हम एक सेट लाए थे मार्केट से, ये इनके
गाय हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, और ये हमने ना बाउल में रखा हुआ है लड्डू। ये एक्चुअली मिट्टी का लड्डू है। आपने सुना होगा ब्रह्मांड घाट, जिस घाट पे बैठ के इन्होंने यशोदा मैया को अपने जब मिट्टी खाई थी, अपना मुख खोला था, उस मुख से जब पूरा ब्रह्मांड दिखा था यशोदा मैया को, ये वहाँ की मिट्टी है। उसी घाट पे यमुना जी से मिट्टी निकाली जाती है और लड्डू बनाए जाते हैं, और 5 रुपये के 2 लड्डू वहाँ मिलते हैं। तो ये लड्डू हमने ला के रखा हुआ है, ये हमारे ठाकुर जी खाते हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये दातुन रखी हुई है। एक दिन मैं अभी कुछ 15 से 20 दिन पहले गया था सुबह सुबह मंगला आरती करने निधिवन की, तो वहाँ जो ठाकुर जी और ठाकुरानी रात को आके जो श्रृंग अपना बीड़ा पान चबाते हैं और सुबह दातुन करते हैं, वो ये उन्हीं की झूठी दातुन है। ये दातुन उन्हीं की झूठी है। हालांकि जो प्रसाद है वो वहाँ पैसों में मिलता है थोड़ा, लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैं 501 रुपये में दातुन, उनका लड्डू का प्रसाद खाया हुआ और बीड़ा पान ये सब मैं लेके आया था। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी हमारी एक भांजी है, उसने एक सरदार जी गुड्डा था उनको स्वरूप दिया ठाकुर जी का, उनका पूरा मेकअप किया और उनको इतना सुंदर मेकअप किया कि अब पूर्ण रूप से इनको कोई कह नहीं सकता कि कोई गुड्डा है, ये सिर्फ ठाकुर जी का ही स्वरूप बना दिया पूरा उन्होंने। तो गाइस, ये हमारा छोटा सा टेम्पल कह सकते हो आप, हमारे इनका ये बेड है पूरा ठाकुर जी का, राधे राधे मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और कुंज सुबह सुबह इनको नहलाता है, कुंज को हमने बोला हुआ है कि आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं कह सकते लेकिन उसको हम इस तरह से ही बोलते हैं कि आपका है ड्यूटी, आप सुबह सुबह ठाकुर जी ठाकुरानी को नहलाओगे और मम्मी इनके मेकअप करती है। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो सुंदर लगी होगी, क्योंकि ठाकुर जी ठाकुरानी जिस वीडियो में आते हैं तो उसमें तो सुंदरता की बात और अद्भुत हो जाती है। तो आप सबसे गुजारिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखना ना भूलें।